छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बात होगी देवेंद्र यादव की। जी हां, देवेंद्र यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 7 दिनों के लिए उनकी न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। अब 3 सितंबर तक रिमांड उनकी बढ़ाई गई है। 3 सितंबर के बाद उनको कोर्ट में एक बार फिर से पेश किया जाएगा। विधायक देवेंद्र यादव की 7 दिन रिमांड बढ़ा दी है। जी हां, कोर्ट में पेश किया गया था, उन्हें फिर से रिमांड पर दे दिया है कोर्ट ने। पुलिस 7 दिन और जेल में ही रहेंगे देवेंद्र यादव। पेशी के बाद कोर्ट ने 3 सितंबर तक उनकी रिमांड बढ़ा दी है। बड़ौदा बाजार हिंसा मामले में 17 अगस्त को भिलाई पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, हालांकि उनके वकील ने जल्द केस डायरी पेश करने की मांग की। उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। 17 अगस्त गिरफ्तारी के बाद से ही वे जेल में है। कोर्ट ने 17 अगस्त से 3 दिन और फिर 20 अगस्त से 7 दिन की रिमांड बढ़ा दी। जी हां, अब फिर देवेंद्र यादव की पेशी 3 सितंबर को होगी। तो राहत अभी फिलहाल नहीं मिल पाई है देवेंद्र यादव को, रिमांड पर एक बार फिर से दिया है पुलिस को। 7 दिन की रिमांड और बढ़ गई है, 1 हफ्ते की रिमांड और बढ़ा दी गई है देवेंद्र यादव की। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम बड़ौदाबाजार का ही रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी अजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, इंतजार और अभी करना होगा देवेंद्र यादव को, यहां पर राहत नहीं मिली है कोर्ट की तरफ से। अभी 7 दिनों के रिमांड के लिए जज के सामने पेश किया गया है कि 7 दिन का रिमांड बढ़ाया जाए। वहीं पे उन देवेंद्र यादव का जो वकील है उनने टोटल विरोध किया है कि इस मामले को लेकर कि बार बार हमको बुलाया जा रहा है। आप बाइक में भी सुन सकते हैं कि इसको बुलाया जा रहा है और थोड़ी देर में इसकी जो सुनवाई है वो होने वाली है, तो 7 दिनों की रिमांड जो है वो बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल। अजय, क्या कुछ हुआ जब पेश हुए देवेंद्र यादव कोर्ट में, तो क्या कुछ बहस हुई, क्या कुछ वार्तालाप हुआ, क्या कुछ बातचीत कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में हुई थी, जरा विस्तार से बताइए अजय हमें। जी बिल्कुल सुमित, ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है देवेंद्र यादव, विधायक देवेंद्र यादव की जो है उनकी जो पेशी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। वही हम बात करेंगे कि जो मंजुलता सिंह है, जो जस्टिस है, न्यायमूर्ति है, उनकी सुनवाई अभी थोड़ी देर में होने, आदेश जो है वो जारी होने वाला है। लेकिन लगभग जो है देवेंद्र यादव की जो गिरफ्तारी के बाद जो है उसकी जो मुश्किलें जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। पहले 17 अगस्त को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो है 3 दिन का रिमांड बढ़ा दिया गया था, उसके बाद 27 तारीख तक के 7 दिन का और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया था। अब 3 सितंबर तक के जो है वो न्यायिक रिमांड जो है वो बढ़ा दिया गया है। 3 सितंबर तक न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है देवेंद्र यादव की। पुलिस अब उनसे और पूछताछ करेगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए अजय।